एवरीवन, माय नेम इज मन्नत, आई एम 10 इयर्स ओल्ड। मैं टीरी मुंडकर की रहने वाली हूँ। डांस का मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक है। I study in 6th grade. My school name is Alpha Public Senior Secondary School, Barthi. आचार्य अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बर्टी, श्री ठाकुर दास शर्मा। मुझे आज बड़ा गर्व की बात हो रही है कि टैलेंट हंट कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे स्कूल की छात्रा मन्नत जो है वो विनर होके आई है। हमें हमारे पास आने के लिए इसके बड़े गर्व की बात है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मन्नत जो है एक बहुत ही अच्छी लड़की है और ये स्कूल एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छी लेवल पे पार्टिसिपेट करती है। मन्नत पहले इसने स्कूल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल का जो है पार्टिसिपेट करके आई, विनर हो गई है। हमें बरसाला को बहुत गर्व है, इन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। अब मन्नत इसके बाद जो है 3 स्टेट, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा का जो कंपटीशन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगी, जिस पे पाठशाला को गर्व है। इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी पाठशाला बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन करती है, जिसमें बच्चे खूब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और विनर होके आते हैं, जिसका जो है पाठशाला को जो है एक गर्वशाली महसूस करती है। हमारी पाठशाला 1995 से चली हुई है और बहुत सारे बच्चे जो है हमारे विभिन्न टैलेंट को लेके जो है बच्चे जो है आगे सेलेक्ट हुए हैं, जिसका हमें गर्व है। मन्नत जो है वो डीडी पंजाबी पर जो शो आता है किसमें कितना है दम, उसमें बच्चे जो है 4 राउंड लगा के फाइनल में पहुंची है। तो अभी यहाँ पे फाइनल राउंड होगा, मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो है वहाँ पे भी विनर होके आएगी, हमारी पाठशाला हमारे स्टेट का और ज़िले का हमारा नाम रोशन करेगी, अपने माता पिता के भी नाम रोशन करेगी। ये मुझे पूर्ण आशा है, ये बहुत ही अच्छी लड़की है, इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है।
नमस्कार, मैं सोनिका डटवारिया, मैं मन्नत की क्लास इंचार्ज हूँ, साथ में मैं उसको साइंस सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो मन्नत, जैसा कि हम जानते हैं कि उसने एक टैलेंट शो में पार्टिसिपेट किया था जिसमें वो विनर है, और अब उसकी सिलेक्शन जो है वो फाइनल के लिए कौन किस में कितना है दम में, वो फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसमें भी विनर हो और अपनी पाठशाला का और अपने गांव का नाम रोशन करे। जो है वो अपनी स्टडी में भी काफ़ी अच्छी है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसका काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है, वो जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करती है, मतलब कि हर कंपटीशन में वो भाग लेती है, और इस बात का हमें बहुत ही गर्व है कि उसने इस टैलेंट शो में भी जो स्कूल लेवल पर आयोजित हुआ था उसमें उसने पार्टिसिपेट किया और वो विनर रही, और आगे उसकी फाइनल राउंड में सिलेक्शन हुई है। जबकि वो एक साधारण से परिवार से है, उसके पिताजी इलेक्ट्रिशियन का वर्क करते हैं, माता जी उनकी एक हाउस वाइफ हैं, लेकिन बच्ची काफ़ी टैलेंटेड है और हमें इस बात की बहुत खुशी है, और हम चाहते हैं कि बच्ची आगे भी विनर होकर आए और इस पाठशाला का और अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन। मैं वरुण वंसल जी का धन्यवाद करती हूं, जो कि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं इस टैलेंट हंट शो के, जिन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए। तो इसी तरह का एक शो जो आयोजन हुआ था जिसका, टैलेंट हंट शो का, जिसमें इस बच्ची ने पार्टिसिपेट किया था, मन्नत ने 4 राउंड क्लियर करके फाइनल राउंड में अपनी जगह बनाई है। तो ये जो पंजाबी चैनल पर किसमें कितना है दम, इसके फाइनल राउंड में वो पहुंच चुकी है, और अब हम सब यही चाहते हैं कि वो उसमें भी विनर हो, क्योंकि वो हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस बच्ची के लिए हम हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं कि वो वहाँ पर भी विनर रहे। योगासन करते समय हमें कभी भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। योगासन करते समय हमें कभी भी झटके देकर योग नहीं करना चाहिए। योग हमेशा सोच निवृत्त के बाद करना चाहिए। मनस्वी, आहार कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? हमारी सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट, सेजल, योग करने से क्या लाभ होते हैं? योग जीवन की एक कला है, योग जीवन जीने की कला है। है प्राणों का आयाम। नेक्स्ट, पद्मासन करते समय अगर माथा घुटने के साथ ना लगे तो घुटने को मोड़ देना चाहिए, सही या गलत? नमस्कार, मेरा नाम कंचन कुमारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम टीरी मुंडकर है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। मन्नत मेरी सबसे बड़ी बेटी है, और उसको डांस का भी बहुत शौक है। वो स्कूल में भी खेलने में, पढ़ने में और डांस करने में भी प्रथम आती है। Thank you.
बचपन से ही डांस करने का शौक है। वो बचपन में ही किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जिद करती है, लेकिन हम उसको वह चीज़ दिला देते थे। वह अपने भाई बहनों के पढ़ने में भी मदद करती है, उनका बहुत ध्यान रखती है, उनके साथ खेलती है, बैठती है। उसको अपने दादा दादी के साथ काम करने का भी बहुत शौक है। मेरे साथ भी वो काम में हाथ बटाती है, जैसे घर का काम करना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोने के भी बर्तन धोने के काम में भी हाथ बटाती है। उसको डांस का बहुत शौक था, इसलिए मेरी बेटी ने किसमें कितने दम में पार्टिसिपेट किया है और उसने 4 राउंड को पास कर लिया है और फाइनल राउंड में पहुंच गई है। मेरी भगवान से यही दुआ है कि वो फाइनल राउंड में पहुंचकर अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने दादा दादी का, पापा का और स्कूल का नाम रोशन करे। यही मेरी भगवान से दुआ है और फाइनल जीत के आए। खेलने में कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। जब भी हमारे स्कूल में कोई अहम फंक्शन होता है तो मैं उसमें डांस में पार्टिसिपेट करती हूँ। जब भी मैं घर में फ्री होती हूँ तो मैं अपनी डांस की प्रैक्टिस भी करती हूँ। मैं अपनी भाई बहन के साथ लूडो भी खेलती हूँ। सुबह सुबह मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ। Thank you.
अपनी मम्मी पापा का इच्छा पूरी करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। अपनी फैमिली के कारण फाइनल राउंड तक पहुंची हूँ। मेरा नाम रेखा है, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के रहने वाली हूँ। मन्नत मेरी भतीजी है। मन्नत को डांस में बचपन में शौक है। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है और वो अपनी मम्मी के साथ भी अच्छे से मतलब काम काज भी मतलब करवा देती है। अपने भाई बहन के साथ भी खेलना कूदना और पढ़ाई करना सब अच्छे से करती है और अच्छे से बात भी करती है सबसे। खेलने कूदने में अच्छी है, सबसे अच्छी से बात भी करती है। ऐसा मन्नत में इस समय कितना है दम प्रोग्राम में जो हिस्सा लिया है उसने, उसमें 4 राउंड पार कर लिया है। अब वो फाइनल में पहुंची है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ अब वो फाइनल जीत के अपने गांव के, अपने स्कूल के, अपने परिवार के नाम रोशन करे। मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम धनीराम है जी। मेरा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम टीरी मुनकर है। मेरी पोती मन्नत खेलने में और पढ़ने में ठीक आती रही। अब इसका इच्छा है कि मैं आगे और दो मेरी पोती ने किस में कितना दम हिस्सा लिया था और इसने 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं। अब मेरी पोती फाइनल में पहुंची है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो फाइनल में जीत के आए और हमारे गांव और हमारी फैमिली का नाम रोशन करे। मैं अपने चाचू के साथ कैरम बोर्ड खेलती हूं। जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं अपनी मम्मा की हेल्प करती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना। स्कूल में KKHD की टीम आई थी और उन्होंने हमें बताया कि KKHD मल्टी टैलेंट शो है, वह इस शो में दिखा सकता है। और मैंने फिर अपना डांस में फॉर्म फिल किया और मेरा फर्स्ट राउंड कसारू में ही हुआ, सेकंड भी कसारू में हुआ, थर्ड भी, फोर्थ भी। अब मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फाइनल जीत के आऊँ। मैं अपने परिवार का, गांव का, स्कूल का नाम रोशन करूँ। Thank you.
करती हूँ वरुण सर का, KKHD टीम का, जिन्होंने मुझे अपना एक हुनर दिखाने के लिए मौका दिया। थैंक यू KKHD।